सोनी टीवी के मशहूर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और पूर्व सलामी बल्लेबाज विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग खास मेहमान बनकर पहुंचे। शो के दौरान इन दोनों ने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ कई मजेदार किस्से शेयर किए और सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दादा और वीरू से एक ऐसा सवाल किया जिसका ताल्लुक टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से था, लेकिन सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग इसका जवाब नहीं दे पाए। हालांकि लाइफलाइन का इस्तेमाल कर उन्होंने सवाल का सही जवाब दिया और इनाम भी जीता। तो आज इस वीडियो में इसी सवाल के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो सवाल आखिर क्या था और क्यों ये दोनों खुद से इसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, अभी के अभी हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन बनेगा करोड़पति में सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने अपने फाउंडेशन के लिए 25 लाख रुपए की रकम जीती। शो के दौरान सवालों का जवाब देते हुए दोनों महान बल्लेबाजों ने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। क्रिकेट से जुड़े एक सवाल पर इन दोनों ने एक्सपर्ट्स की राय ली। ये सवाल महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित था। शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग से क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल किया। ये सवाल था, ट्रेविस डाउनलिन का विकेट किस पूर्व भारतीय कप्तान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय विकेट है? इस सवाल के चार ऑप्शन थे, एक एमएस धोनी, दूसरा मोहम्मद अजहरुद्दीन, तीसरा सुनील गावस्कर और चौथा राहुल द्रविड़। ये चारों टीम इंडिया के कप्तान रहे हैं और चारों कभी भी गेंदबाज के तौर पर नहीं जाने गए। कभी कभार इन्होंने गेंदबाजी की है, इसलिए इस सवाल पर सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग फंस गए। इसलिए सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने अलग अलग जवाब दिए। सौरव गांगुली ने सुनील गावस्कर का नाम लिया जबकि वीरेंद्र सहवाग ने मोहम्मद असरउद्दीन का नाम लिया। इसके बाद दोनों ही कहने लगे कि हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। काफी कंफ्यूजन के बाद इस सवाल पर लाइफलाइन एक्सपर्ट्स एडवाइस का इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट्स ने इस सवाल का जवाब एमएस धोनी दिया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ट्रेविस डाउनलिन 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में वेस्टइंडीज के लिए खेले थे। धोनी ने मैच में दिनेश कार्तिक को ग्लव्स थमा दिए थे और अपने नाम पहला टेस्ट विकेट किया। हालांकि इसके बाद एमएस धोनी ने एक और विकेट लिया था लेकिन अंपायर ने उसे नाकार दिया। ऐसे में धोनी के नाम सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय टेस्ट विकेट है, वो है ट्रेविस डाउनलिन का। इसके बाद दोनों ने मिलकर इस जवाब को अमिताभ बच्चन से लॉक करवा दिया और ये जवाब सही था। हालांकि शो के दौरान लगातार बातें, किस्से और कहानियां सुनाई जाती रहीं। इससे समय समाप्त हो गया और दोनों ने मिलकर इस शो से 25 लाख रुपए की रकम जीती। तो आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आपको इस सवाल का सही जवाब पता था? यहाँ कोई इनाम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ये वीडियो खत्म हो उससे पहले आपको फिर से याद दिला दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही घंटे भी बजा दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नया वीडियो लेकर हम जल्द हाजिर होंगे।